अपने आशिक के लिए भारत से पाकिस्तान जाकर अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया। अंजू ने फातिमा बनकर अपने आशिक नसरुल्ला से शादी कर ली। पाकिस्तान में निकाह करने के बाद अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंजू फातिमा बनने के बाद पाकिस्तान से भारत लौटेगी। अंजू ने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म अपना लिया है। इसके बाद से अंजू का परिवार कह चुका है कि उसका अंजू से कोई लेना देना नहीं है। अंजू के पिता और पति दोनों चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में ही रहे, वो भारत की धरती पर कदम ना रखे। पाकिस्तान में अंजू के फातिमा बनकर निकाह करने से भारत में अंजू का परिवार गुस्से में है। अंजू के पिता कह चुके हैं कि उनके लिए अंजू मर चुकी है। उनकी बेटी ने पाकिस्तान जाकर धर्म परिवर्तन कर निकाह कर उन्हें शर्मिंदा किया है। उनका कहना है कि अब उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं है, वो जो चाहे करे। मेरी तरफ से तो जिस दिन वो इस हमारे देश से चले गया वो हमारे बेटी नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म है उसी समय से। बल्कि और जब से उसके मन में साजिश चल रहा हो मैं तो उसी समय से इसके हमें मालूम नहीं था, फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे, रिश्ता खत्म है हमारा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारी बेटी खुद ऐसे कर सकती है। मुझे तो इस बहुत बड़ी बोलने में भी शर्म आ रही है इस बात को, क्योंकि हमारी बात नहीं है ये, पूरे भारत देश की बात है ये। इस तरीके से लड़कियां अगर करती हैं और ऐसे किया है वो बहुत एक शर्मनाक बात है। अंजू के पिता ही नहीं बल्कि अंजू के पति रहे अरविंद भी अब उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। अंजू ने जिस तरह से उन्हें धोखा दिया और पाकिस्तान जाकर नसरुल्ला से शादी कर ली, इसके बाद अंजू के पति अरविंद चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से न आए, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर उसकी खुशी पाकिस्तान रहने में ही है तो बच्चों के लिए उसे भारत आने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में देख रही होगी, कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे उसको? कुछ नहीं संदेश देना उसको, जैसे गई है वैसी रहे, वहाँ निकाह कर ली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मगर इधर बच्चों के लिए ना आए। लेकिन वो तो मना कर रही कि निकाह नहीं किया मैंने। वो तो ऐसा झूठ बोल रही है, यहाँ भी थी तो झूठ बोल के जाती थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ बच्चों के काम से जा रही हूँ। और अब इतना बड़ा झूठ सामने आ गया? हाँ झूठ सामने आ गया, वहाँ भी झूठ पे झूठ बोले जा रही है, तो कैसे विश्वास में मानूं? आपको लगता है ऐसा झूठा व्यक्ति कहीं खुश रह सकता है किसी दूसरे के साथ? क्या पता और दूसरे को धोखा दे वहाँ से। ऐसे में अंजू के लिए पाकिस्तान से भारत वापस आने की कोई वजह नहीं दिखती, क्योंकि अंजू का परिवार खुद ही नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान से वापस भारत आए। ऐसे में अंजू शायद ही पाकिस्तान से लौटे। हालांकि अंजू के वीजा की अवधि 20 अगस्त को समाप्त हो रही है, ऐसे में उसे भारत आना ही होगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।